स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो कहानी शुरू होती है 3 बजे के बाद की, जबकि हमने चंद्रकोट से चलना स्टार्ट करा था। और स्टार्टिंग में तो थोड़ी चढ़ाई थी, इसलिए हम कुछ शूट ना कर पाए। लेकिन उसके बाद जैसे ही हमको प्लान जगह दिखी, तो हमने स्टार्ट कर दिया अपना ब्लॉग। हाँ, तो धीरे धीरे, अब हमको स्टार्टिंग में बोला गया था यार कि रास्ता इतना दूर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ी दिक्कत होने वाली है। तो हमने इस बात को सच मान लिया। अब किस प्राणी ने हमको ये कहा था, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन फिर भी यार एक बात तो है, जिसने भी कहा था अच्छा ही करा, क्योंकि मज़ा बहुत आया था। माना कि थोड़ा दूर था, लेकिन मज़ा जो है वो बहुत आ रहा था, और नज़ारे जो थे एक से एक बेहतर थे। बेहतरीन नज़ारों के साथ हमारी वीडियो आगे बढ़ते हुए, तो यहाँ पर हमने देखा किस तरह से यहाँ पर खेत, रास्ते, यहाँ पे सब कुछ डिफरेंट होने वाला है। और कम से कम ये 15 किलोमीटर हम जो रोड से हैं वो ऊपर हैं, और वहाँ का नज़ारा हम आपको ये दिखा रहे हैं किस तरह से। यहाँ पे घर आया तो मैंने कहा कि थोड़ा शूट कर लेते हैं। वाह, कितना सही नज़ारा है यार। तो धीरे धीरे मैं आपको ये बताते जाऊँगा। ये देखिए हमारे साथी दोस्त, और यहाँ के ऊपर की सीनरी देखो यार, मतलब एक से एक, मतलब कमाल है यार। और इतने दूर रोड से, इतने दूर होने के बाद भी यहाँ पे जो लोग हैं इतने मेहनती हैं, ऊपर से उनके खेत देख लो, फसल देख लो, इतनी मेहनत करते हैं, पूरा दिन फसल में रहते हैं और इनको ठीक करते हैं, जो भी गंद वंद होता है वो निकालते हैं। तो बहुत मेहनती लोग हैं यहाँ के, और यहाँ के जो लोग हैं उन्होंने कोशिश करी है कि भाई वो अपनी जो रहने की जगह है वो बेहतर से बेहतर बनाए। यहाँ पे कोई भी गंद आपको नहीं दिखेगा, चाहे वो कोई भी जगह हो, यहाँ पे कोई भी गंद नहीं दिखने वाला। तो ये लास्ट जो स्टॉप था, ये अपना सावनी के जो मार्केट है, ये बताएंगे आपको कि हाँ भाई ऊपर मार्केट कैसे होती है। तो ये एक ही जो है मार्केट है यहाँ पे, जो अवेलेबल है, जो यहाँ पे थी। तो इसके बाद दूसरी मार्केट जो है वो कम से कम 5-6 किलोमीटर ऊपर थी। तो इसके लिए हमने यहाँ से कुछ सामान लिया और अपना जो सफ़र है वो आगे कंटिन्यू रखा। ठीक है, तो चलते चलते यहाँ पर नज़ारों के बीच में हम थोड़ा इन्जॉय करते करते आगे बढ़ते गए। तो यहाँ का थोड़ा सफ़र का मज़ा लीजिए, थोड़ी जगह का। दोस्तों आपने थोड़ा सा यहाँ का व्यू देखा, तो यहाँ में मतलब कमाल है यार। लेकिन एक बात मैं बोलूँ, अभी तक मतलब वैसी जगह नहीं आई जो आगे आने वाली है। तो जो आगे आने वाली है जगह, वो तो बहुत ही सही होगी, यकीन मानिए बहुत ही सही होगी। तो सुनते हैं थोड़ा फॉक म्यूज़िक। तनु नहीं आया यार भाई, बस इतना ही था। ठीक है, तो आगे हमको दिखाएंगे, मैं पूरी वीडियो आगे थोड़ा डालूंगा, मतलब थोड़ी डांस वांस की वीडियो भी, लेकिन फ़िलहाल के लिए बस इतना ही। तो आगे जो फ़िलहाल इतना ही, तो आगे जो ये सफ़र है वो शुरू करते हुए यहाँ पे हमको एक मंदिर दिखा। ठीक है, तो थोड़ा मंदिर पे हमने थोड़ा हाथ वाथ जोड़ के, मथा वथा टेक के आगे हम बढ़े। तो ये आगे हमारे, ये देखिए किस तरह से कितना सही नज़ारा है। और ये जो आगे जो बिल्डिंग देख रहे हैं आप लोग, तो ये दुकान है, स्पेशली ये दुकान है। यहाँ पे सिर्फ एक ही दुकान है, और इसके बाद ऊपर दुकान कोई भी नहीं है। ठीक है, दुकान मिलना बहुत मुश्किल है, तो है ही नहीं, क्योंकि ये लास्ट है यहाँ पे, और ये भी बहुत दूर है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा रेस्ट करा थोड़ा बंदों ने, हमने थोड़ा खाने पाने के लिए थोड़ा सामान लिया। उसके बाद हमने अपना जो सफ़र है फिर से शुरू करना है, इसलिए बंदे यहाँ पर थोड़ा रेस्ट कर रहे हैं। ठीक है, सारे
तो यहाँ का जो व्यू है वो भी बहुत सही है, क्योंकि यहाँ पे भी जो मतलब पेड़ वेड़ है वो देखने का नज़ारा बनाते हैं। लेकिन आगे जो है, आगे जब हम लास्ट की जो वीडियो है वो देखेंगे, उसमें कोई पेड़ वेड़ नहीं होंगे, तो वो देखने में और भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। मतलब वहाँ पर इतनी गर्मी भी नहीं होगी, मतलब बिल्कुल सर्द मौसम होगा, फॉग होगी, तो वो देखने में जो है बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये बंदे जो है ये ऊपर चलते हुए, तो हम भी इनके साथ पीछे पीछे, हम भी चलते हुए, ये देखिए बिल्कुल। तो बहुत ये जो है ये चढ़ाई वाली जगह है, लेकिन फिर भी हौसला वो बंदे में, तो यार कंटिन्यूसली 3-4 घंटे तो हमको हो ही गए थे, तो तब जाके हम यहाँ पे पहुँचे। ठीक है, यहाँ पे पहुँचने के लिए हमने कंटिन्यूसली 5 घंटे जो है वो सफ़र किया है। तो अभी थोड़ा शाम का जो मौसम है वो आ गया, इसलिए यहाँ पे सारे रुके हुए हैं, थोड़ा रेस्ट करने का कुछ इंतज़ाम कर रहे हैं कि हाँ भाई कहाँ पर रुकना है, थोड़ा डिसाइड करेंगे कि कहाँ पर जाना है, कहाँ पर रुकना है। इसके लिए ये देखिए यहाँ पे सारे बैठे हैं, डिसाइड कर रहे हैं थोड़ा। तो ये था जो लास्ट शाम का व्यू, थोड़ा अंधेरा होने को आया था, इसलिए यहाँ पे सबों ने डिसाइड करा कि हाँ भाई यहाँ पे रुकने का थोड़ा प्लान बना देते हैं। तो उसके बाद मैं तुमको दिखाता हूँ थोड़ी यार, थोड़ा मतलब डांस रात का प्रोग्राम। डांस वीडियो है मैं अलग से डालने वाला हूँ, मतलब ये पूरी डांस वीडियो ही डालूंगा। तो ये देखिए ये आगे वाला जो ब्लॉग है, अभी तो फिलहाल अभी यहाँ पे हमको ये ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ज़्यादा लेंथ हो जाएगा। लेकिन जब आगे वाला जो ब्लॉग है उसके लिए मैं थोड़ा सा आपको प्रीव्यू दे रहा हूँ कि यार आगे कैसी जगह है और हम कैसे शूट करने वाले हैं, और ऐसी जगह जहाँ पर अगर बंदा तुम अकेले जाओ यार तुम खो जाओगे, मतलब कितनी फॉग है यार, तो ऐसी जगह पे जाना तो मज़ा ही कुछ हो रहा है यार। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि आगे वाला जो नेक्स्ट ब्लॉग है जो इसके बाद आने वाला है वो कहीं ज़्यादा मतलब बहुत तगड़ा वाला आने वाला है यार, बहुत सही व्यू के साथ, तो उसको देखना
भूलना ही मत यार। तो उसके लिए अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो यार ये लाल बटन दिख रहा है सब्सक्राइब का, इसको दबा दो यार, मतलब परमानेंटली जुड़ जाओ। जो भी मैं वीडियो डालूँगा तुमको जो है इन्फॉर्मेशन वहाँ तक पहुँच जाएगी। तो हमको आज की वीडियो ख़त्म करनी पड़ेगी यहाँ पे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।